नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वीडियो से होंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके बिल्कुल 15 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी के जो आएंगे वो इस वीडियो से बाहर नहीं होंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले मैंने लॉन्ग लिया है, उसके बाद मैंने शॉर्ट को लिया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ नंबर 5 टाइम्स इन थ्रोइंग अ डाई 7 टाइम्स। ठीक है, बोला जा रहा है, एक पासे को 7 बार उछालने पे तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब ऐसा क्वेश्चन जो है, उछाला तो गया है 5 बार, अब 2 बार उछाला जाता तो ठीक है, 7 बार उछाला गया है, सॉरी 7 बार उछाला गया है, 2 बार 5 आने की प्रायिकता। तो 7 बार उछालने का मतलब है, 2 बार उछालते थे तो नीचे हम 36 लिखते थे, अगर 7 बार उछालेंगे तो 6 × 6 × यानी 6^7 करना पड़ेगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए ही बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। जब भी 10 बार, 7 बार, 15 बार ऐसे बोल दिया जाए, इतना बार उछाला जाता है, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जितनी बार उछाल होती है उसको हम n लिखते हैं। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, 7 बार उछालने पर 2 बार 5 आने की प्रायिकता। तो पहले जो आने की है उसे p लेंगे और नहीं आने के लिए q लेंगे। तो 5 आने पर एक पासा में 5 कितनी बार आता है, एक बार, हम एक को लेके चलेंगे। ठीक है, तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, यानी p हो गई कितनी, 1/6। अब q, q का मतलब होगा 5 नहीं आएगा, तो 5 नहीं आएगा तो p डैश यानी 1 - p। ठीक है, q का मतलब 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 - p किए तो 5/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा था कितनी बार, ठीक है, 5 लाना है, 2 बार, जितनी बार कोई चीज़ लाना रहता है उसको हम लोग r लेते हैं। तो यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, NCR p। ठीक है, और p क्या, p^r (q)(n-r). ठीक है, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज। तो यहाँ से देखिए, यानी कि जो प्रायिकता होगी, n की जगह 7c2, ठीक है, p कितना है, 1/6, तो p का स्क्वायर, यानी कि r ऊपर चला गया, और फिर क्या, यहाँ n-r होगा, n 7 है तो 2, 7 से 2 गया तो कितना हो गया, 5। अब 7c2 का मतलब कितना, 7 को 2 बार लिखेंगे, बाई ट्रिक बता रहा हूँ, और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2, यानी कितना, 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, 1/6 का स्क्वायर, तो 1/6 दो बार, 5^6, यहाँ से 1/6 को मैंने क्या किया, कट कर दिया, तो ये 7/12 आ गया, 6×2, और 5/6^5, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि 5^5 हम लोग निकालना शुरू करेंगे, तो वो टाइम टेकन हो जाएगा। अब साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ नंबर 6 एटमोस्ट 2 टाइम्स 6
इन टॉसिंग अ डाई 6 times. एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए. अब यहाँ से देखिए, पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, 6 बार. जितनी बार थ्रो करते हैं उसको क्या लिखते हैं, 6, ठीक है ना. फिर क्या बोल रहा है, अधिकतम 2 बार 6 लाना है, मैक्सिमम 2 times, ठीक है, मैक्सिमम 2 times 6 लाना है. तो 6 एक बार आने के क्या होगा, एक पासे पे 6 कितनी बार आता है, 1 बार, यानी 1/6. 6 नहीं आने की प्रायिकता क्यू बाई, यानी कि 5/6, 1 - 1/6 हो जाएगा, तो 5/6. उसी तरीके से अब यहाँ से आर क्या होगा, 2 बार बोल रहा था ना, तो आर कितना होगा. और यहाँ पे देखिए, अधिकतम मैक्सिमम 2 बोल रहा है. मैक्सिमम 2 का मतलब क्या, मैक्सिमम 2 का मतलब होता है 0 से लेकर 2 तक, 2 से ज़्यादा नहीं. तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा. तो यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर एंड इक्वल टू 2. तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पहले 0, फिर 1 और फिर 2. तो एक एक करके सबका हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसके बाद प्लस कर लेंगे, ठीक है. अब यहाँ से देखिए, मैंने क्या किया, x बराबर 0 का निकाला, तो 6 से 0 होगा, पी टू द पावर r, तो पी टू द पावर 0, और यहाँ 0 में से 6 जाएगा कितना, 6. तो 6 से 0 का मान कितना होता है, 1. किसी का सी 0 होगा तो 1, किसी का पावर 0 होगा तो 1. तो 5/6 का पावर कितना हो गया, 6 रह गया. यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया, 6 से 1, 1/6 1, और ये 6 से 1 घटा तो कितना आ गया, 5 आ गया. तो 6 से 1 का मतलब कितना हो गया, 6. 1/6 टू द पावर 1, 1/6. 5/6 टू द पावर 5, 5/6 टू द पावर 5. यहाँ से आपका 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 5/6 टू द पावर 5, ठीक है. नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2. तो 6 से 2, 1/6 स्क्वायर, 5/6 टू द पावर 4, 6 में से 2 घटा तो कितना आ गया, 4 आ गया. अब यहाँ से जो निकालेंगे 6 से 2, यानी 6 × 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2, यानी कितना, 3. यहाँ से देखिए निकाला हूँ मैं, अब ये 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, ठीक है. तो यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड किया 3 बार में, अब फिर 3 से डिवाइड किया 36 को 12 बार में, ठीक है. तो 5/12 हो गया, और इधर हो गया 5/6 टू द पावर 4, वो उतना ही रह गया, ठीक है. तो मैंने इसे इतना ही रहने दिया. नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे. तो मैंने सबका मान यहाँ पे क्या किया, रख दिया 0 का, 1 का और 2 का. सबको जोड़िएगा तो 5/6 टू द पावर 4 क्या है, कॉमन है. तो 5/6 टू द पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है. तो यहाँ से क्या बचा, 5 का पावर 2 और 6 का पावर 2, यानी 25/36. यहाँ से 5/6 और यहाँ से 5/12. जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आपका कुछ इस टाइप का, ठीक है. यानी 70/36 आया, मैंने उसे काटा तो ये आ गया 5/6 टू द पावर 4 और 35 × 18. तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है. एक चीज़ आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं जो ये कर रहा हूँ, शायद 5C2 या 6C2 ये डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, जबकि आप लोग फार्मूला से अलग तरीके से निकालते थे. फार्मूला से आप ऐसे करते थे ना, NCR का फार्मूला क्या लगाते थे, फैक्टोरियल n अपॉन r, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. आप लोग इसी फार्मूला का यूज करते होंगे, लेकिन मैं यहाँ बाई ट्रिक बना रहा हूँ. जैसे देखिए 8C2 निकालना है हमें, ठीक है. तो क्या करेंगे, 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 ही होगा. तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 28 आ जाएगा. देखिए मैं प्रोसेस बना के दिखाता हूँ आपको. अगर मैं 8C2 लिखूँ प्रोसेस से बनाऊँ, तो फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 2, 8 से तो हो गया फैक्टोरियल 6. ये कितनी बार में कटेगा, इससे 8 × 7, देखिए उतना ही आ गया ना, 2. इसका अब सब के लिए नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ से 4C3 लिख दूँ, तो आप ऐसा मत करना 4 को 3 बार लिख देना 3 का फैक्टोरियल. नहीं, ऐसे नहीं करना. इसका ट्रिक है, ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं, इसको मन में घटा लेते हैं, घटा कर देखते हैं
जो आता है वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है, नीचे वाले से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा आएगा तो हम सी के नीचे इसी का मान के चलेंगे, अगर बड़ा आएगा तो फिर इसे ले लेंगे, ठीक है। तो फोर सी थ्री आ गया, इसका मतलब ये वन के बराबर है, तो फोर सी थ्री का मान अपने आप में चेंज कर कर हम फोर सी वन कर देंगे, ठीक है। फोर सी वन कर देंगे तो फोर सी वन का मान क्या होता है, फोर होता है, तो राइट आंसर फोर हो जाएगा, क्योंकि फोर को एक बार लिखना है और नीचे फैक्टोरियल वन का मान वन होगा। देखिए बाई फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, फोर सी थ्री क्या करेंगे, फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री, और नीचे फोर माइनस थ्री क्या होगा, वन होगा। फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल फोर कितनी बार में कटेगा, चार बार में, राइट आंसर चार हो गया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप बोलोगे तो मैं इस पर वीडियो दे दूंगा, पी का भी बता देता हूँ। अगर फाइव पी टू है तो कुछ नहीं करना है, पाँच को दो बार लिख देना है, ठीक है। अगर फाइव पी फोर है तो क्या पाँच को चार बार लिख दोगे, नहीं, इसमें से घटाएंगे, एक है यानी छोटा कौन है, एक, तो इसका मतलब पाँच को एक ही बार लिखेंगे, राइट आंसर कितना हो गया, फाइव हो गया। उसी तरह से देखिए सेवन पी टू है, इसका मतलब सात को दो बार लिख दो, आंसर हो गया। तो आप ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बिल्कुल मिलेगा आपको, नाक का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रहना ही रहना है। निकालना देखिए क्या है, हिंदी मीडियम की बात करें तो माध्य निकालना है, प्रसरण निकालना है और मानक विचलन निकालना है। वहाँ एग्ज़ाम में आपको कुछ एक पूछेगा, मैं तीनों एक ही वीडियो में दे दिया हूँ, एक ही क्वेश्चन में तीनों इन्वॉल्व कर दिया हूँ, यानी फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ से पहले मैं डायग्राम बना लूँगा, ये तो आप लोग को पता ही होगा डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसे एक्स आई लिया, वन टू थ्री फोर को जो एक्स दिया हुआ था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ था उसे मैंने पी आई लिखा है, ठीक है, और पी आई एक्स आई निकाला है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर एक्स आई का स्क्वायर किया तो वन का स्क्वायर वन, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह। अब क्या किया, पी आई और एक्स स्क्वायर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद इसका जब सम किया तो सिग्मा पी आई एक्स आई कितना आ गया, टू आ गया, और इसका सम किया तो ये आ गया कितना, फाइव आ गया। अब यहाँ से ये जो देता है वही मीन होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई मीन यानी माध्य निकल गया, ठीक है। अब अगर प्रसरण की बात करें तो प्रसरण का जो मान होता है, ठीक है, क्या करते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, ये जो मान हुआ इसमें से इसका स्क्वायर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मान कितना था, फाइव पॉइंट जीरो का फाइव, और इसका टू था, टू का स्क्वायर फोर, यानी फाइव से फोर गया कितना आ गया, वन आ गया। तो यानी प्रसरण जो वेरियंस जो हो गया वो आपका वन हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये स्क्वायर में होता है ना, इसको जब स्क्वायर हटा देते हैं तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, तो ही मानक विचलन आपका कितना आ गया, वन आ गया, क्योंकि रूट अंडर वन का वैल्यू वन ही होता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, मैंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर लिया है, तो ये अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये शॉर्ट में भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाया हूँ वो बेस थ्योरम का उठाया हूँ, प्रायिकता का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेस थ्योरम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें से, अ बैग कंटेंस फोर रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेंस टू रेड एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट विच इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम द फर्स्ट बैग।
यानी अगर हिंदी की बात की जाए तो ये बोला जा रहा है, ठीक है, एक थैले में चार लाल चार काली गेंदे हैं और एक अन्य थैले में सेकंड थैले में दो लाल और छह काली गेंदे हैं। दोनों थैलों को एट रैंडम चुना जाता है, एट रैंडम का मतलब वन बाई वन, और उसमें एक गेंद निकाली जाती है, डैट इज़ रेड। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गेंद निकाली गई है वो पहले थैले से निकाली गई है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा तो आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन समझोगे, ठीक है। तो मैं मान लिया कि पहले थैला को चुन लिया जाए, थैला दो है तो पहले थैला को चुनने की प्रायिकता यहाँ से निकाल ली जाती है। तो मान लिया U1 बराबर पहले थैले चुने जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ए फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को परेशानी ना हो। E2 बराबर दूसरे थैले चुने जाने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी इफ सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। मैंने 3 ले लिया था लेकिन इसमें 3 तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, दो ही थैला है, ठीक है, इसीलिए इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब आगे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता क्या होगी, दो थैला है, दो थैला में से एक थैला चुनने की प्रायिकता 1/2, तो इसकी भी वही होगी और इसकी भी 1/2, 1/2। अब मैंने मान लिया कि जो लाल गेंद पहले थैले में से निकाल, लाल गेंद के लिए मैंने R लिया है, R फॉर रेड, तो पहले थैले से अगर लाल निकाली गई होगी तो पहले थैले में कितने लाल गेंद थे, देखिए पहले थैले में आपके चार लाल चार काली गेंद थी, यानी टोटल गेंद 8 थी, तो निकालना है कितना, एक लाल गेंद निकालना है, ठीक है, तो एक लाल गेंद निकालने का मतलब 4C1/8C1, ठीक है, हम भले ही 4/8 करते हैं लेकिन ये रियल नहीं होता है 4/8, रियल फॉर्म ये होता है, हम ये करते हैं क्योंकि इनका वैल्यू यही होता है, तो 4/8 यानी 1/2 आ गया। इन द सेम वे अगर वो थैला दो से लाल निकाली गई होगी तो थैले दो में कितने लाल गेंद थे, दो लाल थे और छः काली थी, तो थैले दो में कितना होगा, 2/8 यानी 2C1/8C1, यानी कितना, 2/8 डिवाइड होकर 1/4। अब व्यूज थ्योरम जो बोलता है जिसका हमें निकालना रहता है इनवर्स उसका जोड़ा को ऊपर रखते हैं और बाकी दोनों या तीन जोड़ा या चार जोड़ा जो भी होगा नीचे प्लस करके क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, नीचे प्लस कर लिख देते हैं। तो यहाँ पूछ रहा था थैला वन के बारे में, तो E1 R/E1 ऊपर गया, E1 R/E1 नीचे और E2 R/E2 नीचे। अब इसका क्या करेंगे, जो वैल्यू आया है वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया तो E1 का भी वही वैल्यू था जो R/E1 का था, तो E1 R/E1 E1 R/E1 E2 R/E2 सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ गया, 2/3 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखिए ये तो लॉन्ग आंसर था, अब इसमें ऑब्जेक्टिव जो आएंगे उसके लिए मैं कुछ टिप्स दिया हूँ उसे आप याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका इससे छूटेगा ही नहीं, ठीक है। मैंने लॉन्ग ऑब्जेक्टिव शॉर्ट सब इस वीडियो में छोटा वीडियो बनाया हूँ और इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत कम है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने हैं, सिर्फ मैथ से तो होगा नहीं, इसलिए मैं जितना छोटा हो सकता है वीडियो को उतना छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं अगर व्हाइट बोर्ड पर बता कर करूं, तो सोचो कितना टाइम लगेगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा सॉल्व करूंगा, वो ये जो 10 मिनट का वीडियो में आप देख रहे हो वो आपका 1 से 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियोस देखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये पेज पर लिख के डाला है ताकि आप लोग को कम टाइम टेकन हो और ज़्यादा सीख सके कम टाइम देकर, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा से वीडियो ही देख रहे हैं तो बाकी सारी सब्जेक्ट भी तो है ना। अब यहाँ देखिए, इफ़ ए और बी यानी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंटरसेक्शन को हम ए बी भी लिखते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कब, जब ए और बी स्वतंत्र घटना होगी तब, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तब। अगर बोला जाए ए नहीं और बी नहीं, नॉट ए, ठीक है,
नीदर ए नॉर वी, ए नहीं और बी नहीं, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। इसका मान होगा अगर स्वतंत्र घटना होगी ए और बी तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन द सेम वे अगर वो तीन घटनाएं हो और स्वतंत्र घटना हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी हो गया। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो वो, यानी हिंदी की बात करें तो अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो हमेशा याद रखना परस्पर अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तभी होते हैं कोई दो सेट जब ही तक उनका इंटरसेक्शन फाई ना हो जाए, कहने का मतलब शून्य ना हो जाए इंटरसेक्शन, तब तक वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होते हैं, चाहे वो ए और बी हो या ए बी सी हो, ठीक है। अगर दो या तीनों का इंटरसेक्शन फाई है इसका मतलब वो एक वो क्या है परस्पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया तो ए यूनियन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लगाएं जो कि फार्मूला होता है माइनस में, तो इसका मान तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये लगाना ना लगाना बराबर है, इसलिए अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई के इक्वल होगा, ठीक है। एक और जो मल्टीप्लाई फॉर्म है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब होता है बी जो है वो हो चुका है, यानी बी घटना बी इवेंट क्या है घटित हो चुकी है, उसके बाद ई इवेंट ए इवेंट घटित होगा, तो इसका वैल्यू जो होता है ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे जो रहता है वही रहता है बी। अब देखिए नीचे ए है तो नीचे ए होगा और ऊपर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठ जाए, सेट हो जाए, ठीक है। देखिए कितना टाइम लग रहा है, कितना कम टाइम में आप कितना ज़्यादा चीज़ सीख रहे हो, बस इस चीज़ पर ध्यान दो। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो बोल रहा है इन सारों का मान आप निकालिए। तो इन सारों का मान निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है अगर स्वतंत्र घटना है, तो अभी बताया कि अगर दो घटना स्वतंत्र हैं इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने डाल दिया 0.12। अब यहाँ से यूनियन पूछ रहा था तो ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी होता ही है, ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ निकाल ही लिया हूँ मैं, तो यहाँ पुट कर दिया, इसका वैल्यू ये आ गया। नेक्स्ट है ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे बी, जो नीचे रहता है वो नीचे। इंटरसेक्शन का मान 0.12 यहाँ से निकाला, 0.12, और ये 0.4 डिवाइड किया तो 0.3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.12 ये डाला, और 0.3 ए का मान जो था 0.3 यहाँ डाला, यानी 0.4 इसका आंसर हो गया। तो ये तो आपके प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इस वीडियो से बाहर प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं वॉच करने के टाइम, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कम से कम मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, मैं ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक चीज़ आप लोग को बोलना है कि मैं 6 फरवरी से मैट्रिकुलेशन का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, तो आसपास जो भी आपके स्टूडेंट हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें कि इस चैनल पे मैट्रिकुलेशन का क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।